नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खारी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइल्स यानी बवासीर के कारण और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। पाइल्स का सबसे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होता है, जिसके कारण रेक्टम वेसल्स में सूजन आ जाती है। दूसरा कारण होता है मल त्यागने में ज्यादा समय लगाना या बल ज्यादा लगाना, अधिक बैठे रहने से भी यह हो सकता है। अनहेल्दी फूड भी इसका एक बड़ा कारण होता है। बवासीर दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पाइल्स में ब्लीडिंग कम होती है, दर्द और सूजन ज्यादा होती है। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और दर्द कम होता है। आइए जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है। पहली मेडिसिन है दोस्तों नक्सोमिका। दोस्तों अगर आपको कब्ज की शिकायत लगातार रहती है, आप जंक फूड और अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, तो आप इस दवाई का सेवन जरूर करें। जो लोग दिमागी मेहनत ज्यादा करते हैं, शारीरिक मेहनत उनकी कम रहती है, तो इस कारण बैठने से आपको अगर पाइल्स हो जाती है तो आप इस दवाई का भी सेवन कर सकते हैं। इस दवाई को 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद जीभ पर लें। अगली दवाई है दोस्तों नाइट्रिक एसिड। अगर आपको जलन चुभन ज्यादा हो तो आप इस दवाई का सेवन करें। यह जलन आपको मल त्यागने के दौरान होती है। दवाई आपको दिन में 3 से 4 बार 2-2 बूंद 30 पोटेंसी में लेनी है। अगली दवाई है दोस्तों हेमेमेलिस। ब्लीडिंग के लिए यह दवाई बहुत अच्छी होती है, इसको एमटी पोटेंसी में ही लें। यह दवाई आपको एमटी पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 15 से 20 बूंदे आधे कप पानी में लें। अगली दवाई है दोस्तों एस्कुलस 30। यह दवाई सूजन दर्द जलन के लिए बहुत उपयोगी होती है। दोस्तों जिस दवाई में आपके सिम्टम्स मिले आप वही दवाई खाएं। इसके साथ आप एक दवाई और खा सकते हैं जिसका नाम है डॉक्टर रैकवैक R13। इसके अंदर होम्योपैथिक मेडिसिन का वह कॉम्बिनेशन होता है जो पाइल्स की वजह से होने वाली परेशानी को ठीक करती है। दोस्तों अगर आपको पाइल्स का खतरा ज्यादा रहता है तो आप प्रिवेंशन के तौर पे कुछ टिप्स भी अपना सकते हैं, जैसे मल त्यागने में समय और बल का प्रयोग कम करें, पेट को ठीक रखें, उन खाने से बचे जिससे आपको कब्ज बढ़ती है, सुबह के समय गुनगुना पानी का उपयोग करें, अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें, खाना हेल्दी ही खाएं, जंक फूड और स्पाइसी फूड से परहेज करें। ऐसी ही वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना ना भूलें।